जी दोस्तों, अभी नाइट मैच खेला जा रहा है। खेलने के लिए तैयार होते हैं और ये खेल खेला जा रहा है राजरसपुर मार्केट ग्राउंड में। और ये खेला करते हैं राजरसपुर का माधवराव क्रिकेट टीम, माधवराव क्रिकेट टीम। और आज सेमीफाइनल खेला जाएगा और इस सेमीफाइनल में दोनों गांव खेलेंगे, गोपालपुर और राजरसपुर। तो जी दोस्तों, ये गांव का खेल थोड़ा मज़ा लीजिए। ये भी बड़ा आनंद लगता है, ये खेल भी थोड़ा मज़ा आप लोग है। तो ठीक है, देखते रहे, अभी खेल शुरू होगा। शुरू करने के लिए अभी तैयार होते हैं और इधर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप खेल देखते रहे। बारी बारी थोड़ा जी दोस्तों, आज फास्ट इनिंग गांव में नाइट मैच खेला जा रहा है। दर्शन माथे में चले बॉलर तो नाइट मैच और साथ में कमेंट उठाइए। विश्वनाथ मेमोरियल क्रिकेट टीम का कप्तान गणेश, यहाँ गणेश लाइट का तो बैटिंग करेंगे, उनको बॉलिंग करेंगे। पहचान नहीं जाता विश्वनाथ। सुंदर खेल चल रहा है राजराजपुर गांव का खेल में। ये भी एक मजा है, विश्वनाथ बॉलिंग में गणेश खेलने की कोशिश की के साथ बॉल का संयोग नहीं। 20 हैलोजन लगा के बॉल सारा खेलते हैं, लेकिन हैलोजन विश्वनाथ अब बॉलिंग मार्ग में 15-18 फीट ऊंचाई पर होगा। बॉल का लाल ओवर लेके आ रहा विश्वनाथ और ये बॉलिंग के गणेश खेलने की कोशिश की के साथ। दोनों टीम खेले हैं, दोनों गांव के गोपालपुर और राजरसपुर। इसी दो रन के साथ बलिया स्कोर पहुंचा 49। अभी 50 स्कोर पहुंचा 51। अभी गोपालपुर टीम कर रहा है लेके आ रहे विश्वनाथ टीम का। विश्वनाथ बॉलिंग करेंगे मनोज, 50 रन हो गया। मनोज भाई सुंदर बैटिंग कर रहे हैं, इसके साथ ओवर का परिसमाप्ति। लास्ट ओवर, इसी लास्ट ओवर में कम से कम 10-15 रन चाहिए। देखते हैं क्या होता है, बैटिंग पर है समय कहेगा, क्योंकि मनवा फील्ड में गणेश मौजूद है गानू और मनमोहन भी मौजूद है। सुंदर और बैट्स में और सुंदर रूप में खेलने की कोशिश की है। अच्छा, बैट के साथ बॉल का संयोग नहीं अच्छा है। और बॉल आ रहा बॉलर हर बॉल को कैच करता है, बॉलिंग किए सुंदर रूप में खेल दिया था, लेकिन रन नाइट मैच को मैं जो सोच रहे थे छक्का नहीं है, 10-15 रन जाता है, लेकिन लग नहीं रहा है 4 है, लेकिन वो समय बोलेगा, समय कहेगा। ये ग्राउंड 30 मैच की रोमांचक मैच हो रहा है। बॉलिंग के सुंदर रूप में खेल दिए थे, 4 रन के साथ मैच में आकलन किया था सुंदर रूप में बैट्समैन, उसके साथ पहुंच रहा है, लेकिन 56 रन में पहुंच गया विश्वनाथ मेमोरियल क्रिकेट टीम। गुरु पता भी चार चाहिए बॉलिंग, और देखते हैं सुंदर रूप में खेल दिया एक रन के लिए, किसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 57। और ये मेरे को लगता है लास्ट बॉल, अभी लास्ट बॉल सुंदर रूप में खेल दिया, लेकिन
एक रन हो, इस एक रन के साथ स्कोर बन जाए 58। राजनाथपुर क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 59 चाहिए और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैच रोमांचक है, का गेम ओवर है मैच के साथ, ओ 58 ये है और थोड़ा गाना चाहिए और दूसरों को जीतने के लिए 59 की जरूरत है। एंकरिंग और बढ़िया अपना खेल शुरू होगा अभी सेकंड इनिंग के अंदर खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। कैप्टन का फील्ड आपको फील्ड में धीरे धीरे प्रवेश कर चुके अनुष्ठान की तरफ से जो अनाउंस कर रहा है अनुष्ठान की तरफ से जो अनाउंस करते हैं वो भी आपको सुनाई देता है, शायद सुनाई देता है तो ठीक है। अभी बैट्समैन फील्ड को आज स्कोरिंग में प्रशांत सुंदर बैट्समैन फील्ड को आज को है अभी खेल शुरू होगा स्कोरिंग कर रहा है। अभी बंटी हुआ आगे जाने के लिए तैयार थे लेकिन रोमन से आए हैं मैच देखने के लिए। ये मैच 10 ओवर की मैच है, ये 10 ओवर खेलते हैं बंटी बाबू मैदान आए मैच देखने के लिए। दोनों टीम 10 रन ओवर खेलेंगे। गोपालपुर तो खेल चुका था मन स्ट्राइक करके 58 रन यानी 58 रन क्या है और ये राजस्थान को जीतने के लिए चाहता हूँ। आज का जो मैच हो रहा है कैसा लग रहा है यानी 59 रन की जरूरत है और आज का मैच है ना इसमें तो 10 और मनमोहन बॉलिंग की खेल शुरू हो गया। बैंकर सुंदर रूप में कोई रन नहीं रिटर्न कर रहा है मनमोहन के साथ मनमोहन के पास मनमोहन बॉलिंग की सुंदर फील्डिंग था और सुंदर फील्डिंग भी था कोई रन नहीं। राजराजेश्वरपुर का अभी तक 20 रन हुआ है। राजेश्वरपुर 4 रन हो गया, 4 रन के साथ ओवर समाप्ति, सेकंड ओवर समाप्ति और दल का स्कोर 25 हो गया। ओवर में 25 रन, चौथा ओवर जारी रखते हुए अभी प्ले करेंगे गिरधारी भाटी जिसको सभी गिरिया बुलाते हैं तो गिरधारी का फास्ट बॉल था कोई रन नहीं था। राजस्थान का वही 25 रन में सीमित। सेकंड बॉल फील्डिंग अच्छा था, फील्डिंग वाले अच्छे थे वो थे पंकज नायक वो खुद का स्थान चले गए और थर्ड बॉल था कोई रन नहीं। सुंदर फील्डिंग था लेकिन सर थोड़ा ग्राउंड सर था इसीलिए कैच नहीं हो पाया नहीं के लिए नहीं तो कैच होने की चांस था। वो फेल फोर हो गया महेश्वर एक अच्छा बैट्समैन है सेकंड कीपर पकड़ लिया जो बॉलिंग अभी कर रहे थे चाया महंती विकेट कीपर मनोज हाथी इसको मनवा बुलाते हैं। कैच
नहीं, ग्राउंड है वहाँ खेलते हैं। बुटू बॉलिंग करता है, बॉल पकड़ लिया। अभी लास्ट बॉल, सेकंड ओवर का लास्ट बॉल, नहीं फील्डिंग बिल्कुल टाइट था। इसके साथ ओवर का करिश्मा बॉल थ्रो की है, फील्डिंग गुल्ला। अभी बॉलिंग करेंगे चाइना। अभी जो बॉलिंग करने के लिए जा रहा है उनका नाम, बॉलिंग कर रहे विश्वनाथ मेमोरियल क्रिकेट टीम चाइना। उसका नाम है एक्चुअली चुया, लेकिन बुलाते हैं हर कोई खेल में चाइना। फोर ये बाई फोर था, पांच रन हो गया। पहला बॉल में पांच रन, अच्छा था। कीपर अच्छा था, कीपर पकड़ लिया। चाइना बॉलिंग करेंगे, उनको सामना करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ये गांव का खेल, इसमें भी थोड़ा मजा आता है। गांव-गांव में आपस में खेलते हैं, ये तो कोई बड़ा ग्राउंड नहीं जा पाते हैं और देख नहीं पाते हैं, फिर भी आपस में नाइट मैच कर रहे हैं और तृतीय बॉल एक रन आपस में पैसा कलेक्शन करके, पहला ओवर में छह रन कलेक्शन करके चाइना अरेंज किया है, उनको सामना करेंगे। ये जो अरेंज किए हैं उनको भी धन्यवाद। चार रन, ये भी चार रन था, स्कोर हो गया गोपालपुर टीम का 20 रन। चाइना का महंगा ओवर 10 रन दे चुके हैं, इस ओवर में 10 रन दे चुके चाइना मानती। चाइना मानती बॉलिंग करेंगे, उनको सामना करेंगे किरिन। सुंदर रूप में चौका भी लगाया था ये वाइट, चाया बड़ा सबसे महंगा अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये तो नाइट मैच में गलत हो जाएगा। बॉलिंग कर रहा है मनमोहन, इसे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा एक रन, पहला वाइट मनमोहन का, टीम का खाता खुल गया है, एक रन हो चुका है। सुंदर, लेकिन कोई रन नहीं, सुंदर रूप में बॉल वापस कर रहे बॉलर मंदा, सुंदर अति सुंदर करेंगे सुंदर रूप में बैटिंग कर रहे हैं और उनका रनर है। पहला बॉल में फील्डिंग करके मंदन के पास बॉल रिटर्न किया था, अभी भी फील्डिंग किया और मंदन बॉलिंग किया सुंदर रूप में, कमजोरी कारण ये फोर हो गया। तो पहला ओवर का परिसमाप्ति टीम का रन, दूसरा ओवर लेकिन कीपिंग अभी बाय मिस्टेक छह रन हो गया, चार रन होने का चांस नहीं था, लेकिन छह रन हो गया। पहला ओवर खत्म हो गया, उनको सामना करेंगे, अभी मैसूर बैटिंग करेंगे। सुंदर एक रन हो गया, हो गया रन आउट होने का चांस था, रन आउट होने का चांस था, लेकिन बाल बाल बच गए। बुटू गोपालपुर की टीम तरफ से बुट्टू बॉलिंग कर रहा है, मुश्किल फील्डिंग था, मुश्किल फील्डिंग था। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा, सेवन रन पर सात रन। राजर्स टीम का
रन हो गया 8 रन। रन आउट होने का चांस बहुत होता आता है। जहाँ खेल हो रहा है ये राजस्थान का हाथ बढ़िया छोटा सा बाजार है, ये बाजार के मिडिल में एक क्योंकि यहाँ दौड़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है। छोटा ग्राउंड है, छोटे ग्राउंड में दौड़ के रन रन लेने के लिए वक्त नहीं मिलता है। प्रथम सेमीफाइनल तो यहाँ जो जितना गोल लगाएगा उनको उतना ही फायदा रहेगा। लेकिन बॉल थोड़ा ओवर हो गया। अष्टम ओवर अभी चल रही है, लेकिन नहीं हो पाया। एक ग्राउंड के अंदर एक दूसरा प्रॉब्लम है, मिडिल में एक जो वृंदावती चौरा है अभी बल करेंगे। मनु हाथी वो 22 रन लगाया था और फील्डर भी थ्रो किए थे लेकिन रन आउट नहीं हो पाया और एक रन इसके साथ एक रन हो गया और टीम का रन हो गया। सही वक्त में बॉल लगाया है और इसके साथ राजस्थान टीम का हो गया 47 यानी 47 रन। बाय फोर बिल्कुल फील्डर ये चाया महंती का गलती था। फील्डर चाया महंती के कारण से बाय फोर हो गया। लेकिन अभी बड़ा मौत टाइम है। इस वक्त जो गलत करेगा वो दूसरा फोर हो गया और टीम जीत गए। राजस्थान टीम जीत गए।